ये जो नए कोशिशें हो रही हैं कि जी नई पार्टीज बनाई जा रही हैं और पीटीआई के लोगों को उधर धकेला जा रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि पीटीआई के लोगों ने इन दोनों पार्टीज तो पास जाना नहीं क्योंकि सबको पता है इनका वोट बैंक ही नहीं है तो फिर पीटीआई का कोई जी ये जो आज नई भी पार्टी बनी है और फिर उससे पहले भी कि पीटीआई लोगों को वहां धकेला जाए अब मैं सिर्फ मुझे हैरत होती है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं जो भी ये सोच है इसके पीछे कोई इनको तो कोई इनका एहतसाब होगा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ क्या इनमें अकल है सियासत की समझ है क्या मुल्क की तारीख की समझ है क्या इनके पास तालीम है तरबियत तो मुझे पता है नहीं है क्योंकि जिनके पास तरबियत हो वो ये ना करें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी के साथ आज तक वो नहीं हुआ जो आज हमारे साथ किया जा रहा है और उन लोगों को धकेला जा रहा है ब्लैकमेल करके कर कि जी वो उस पार्टी में चले जाओ और उस पार्टी में चले जाओ और लोगों की शक्लें देखें जो जा रहे हैं उन पार्टी में वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोग लोगों को धकेल रहे हैं फांसी देने के लिए यानी वो अपनी खुदकुशी करने जा रहे हैं ये ऐसे लग रहा है वो खुशी से नहीं जा रहे जब लोगों को लेके इस तरह लेके जा रहे हैं ब्लैकमेल करके ज्यादातर ब्लैकमेल कर रहे हैं और इन सारों को कई तो दो तो मैं देख रहा था जेल से सीधा वहां ले गए तो वो क्यों इस तरह उनकी शक्लों में खुशी क्यों नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है उनको पता है कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं करना और अगर किसी को शक है तो ये इन जब भी आप तो इलेक्शन लग रहा है कि इन हो ही जाएंगे वो जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लोगों ने वोट किसको डालनी लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूं कि क्या लोगों को जो ये कर रहे हैं पीछे बैठ के जो ब्रेन बैठी हुई हैं क्या उनको समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है क्या आज पाकिस्तान में क्या उनको ये नहीं पता कि ये पहली दफा 1970 के बाद पाकिस्तान में ये माहौल बना है कि नजरिया पहली दफा नजरियाती पॉलिटिक्स हो रही है वोटर ने नजरिए के ऊपर वोट डाल लिया शख्सियतें खत्म ही हो गई है आप जो मर्जी कर लें कि जितने जो उन्नीस सो सत्तर में क्या हुआ था बड़े बड़े नाम थे ऐसे नाम थे कि उन्होंने कहा हमें कैंपेन करने की जरूरत नहीं है उन्नीस सौ सत्तर में तो एकदम नजरिया वेस्ट पाकिस्तान में आया और चौरासी सीटें जीत गया एक सौ सैंतीस में से जुल्फिकार अली भुट्टो लेकिन उससे बड़ा जो सैलाब आया वो इस पाकिस्तान में आया मेरे ख्याल में एक सौ अड़सठ में से एक सौ बासठ सीटें जीत गया मुजीबुर रहमान और वो क्या चाह रहा था इंसाफ चाह रहा था वो भी ये कह रहा था कि हमें हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा हम आजाद नहीं हैं जो कि आज सत्ताईस साल से तहरीक इंसाफ कह रही है इंसाफ की तरीक इंसाफ इंसानों को आजाद कर तो वो भी यही कह रहा था वो उस वक्त पाकिस्तान से लहजा नहीं होना चाहता था उसके आप पढ़ रहे छह पॉइंट वो सिर्फ इंसाफ चाह रहे थे और जो हुआ उसके बाद वो यही हुआ कि मिस रीड किया गया मिस कैलकुलेशन हुई सही माने में जायजा नहीं ले सके एक सिचुएशन का सियासी सिचुएशन का और मोल टूट क्या आज फिर वही हो रहा है ये जो बनाए जा रहे हैं लोगों को और ये जो पार्टीज बनाई जा रही हैं और ये जो लोगों को धकेला जा रहा है और जो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है तो ये क्या ये समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन वही उन्नीस सौ सत्तर वाला है नजरिया की पॉलिटिक्स आ गई है पाकिस्तान में क्या ये बाई इलेक्शन पे नहीं नजर नजर आया कि कौम ने कैसे कैसे लोग निकले हैं और पहली दफा सिटिंग गवर्नमेंट बैक बाय द दबलिशमेंट वो हार जाती है तो उधर नहीं अंदाजा हुआ कि किस तरफ कौम जा रही है वो उससे और ज्यादा आगे निकल गई है मैं मेरा ये मेरा ये तज् है वो आदमी जिसे जीरो से पॉलिटिक्स शुरू की जीरो से कोई मेरे रिश्ते बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था मैंने जीरो से एक पार्टी बनाई और आहिस्ता 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 कोई शॉर्टकट नहीं लिया हालांकि मुझे जनरल मुशरफ ने ऑफर भी बड़ी ऑफर की थी जब मैं आ, आ, अपनी एक ही सीट जीता था उनके साथ मिल जाओ कोई शॉर्टकट नहीं लिया बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में किसी का वो तो तजर्बा है, है। क्योंकि यहां तो सारी बनी बनाई पार्टी का हिस्सा था या किसी का बाप था या कुछ था या नाना था या, या मां थी पॉलिटिक्स में या लीडर थे तो इस तरह बने या वो जनरल जिया ने जिलानी ने शफफत कर दी बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन के ऊपर और वो पॉलिटिशियन बन गया और अब उसके बच्चे तैयार हो गए हैं सारे लेकिन इन्होंने कोई खुद तो पार्टी नहीं बनाई इन्होंने खुद तो जीरो से कोई पार्टी नहीं बनाई तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि अवाम जिधर खड़ी है ये जो भी हरकतें कर रहे हैं इससे सिर्फ नफरतें बढ़ रही इससे कोई इलेक्शन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन है ये गलत होने वाली है ये जैसी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे प्लान बना हुआ है इमरान खान को डिसकवालीफाई करना बड़ी तेजी से केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बड़ी किसी तेजी से कि किसी ना किसी तरह इसको डिसक्वालीफाई करो और या इसको जेल में डालो और वो मैं तैयार हूं उसके लिए मुझे पता है कि आ, मैंने अपनी सारी पार्टी को बता दिया कि ये अगले हफ्ते से पूरी तैयारी कर लो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं क्या इससे क्या इससे ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाएगी मेरे ख्याल में इतना ज्यादा धांधली करनी पड़ेगी के सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही खत्म डिस्क्रेडिट हो जाएगा जिस तरह वो सिंध में इलेक्शन करवाता है वो जरदारी वो इलेक्शन तो होता ही नहीं है पुलिस पूरी पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर डाल रही है बाकी जो या पैसे दे के खरीद लो और या फिर जेल में डाल दो और उसके बाद इलेक्शन करवा दू तो इलेक्शन नहीं है ये तो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या बाई इलेक्शन जो असल इलेक्शन है पाकिस्तान का। और 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन अगर यह इलेक्शन ठीक ना करवाया गया उसके अपने असरात है छोटी छोटी पाकिस्तान में पार्टी छोटी छोटी ले आए प्लान तो यह है कि वो हर किसी को थोड़ी थोड़ी सीटें दिलवा दें वो सारे ऊपर और ऊपर से फिर कंट्रोल करेगी पाकिस्तान को तो इससे तो मुल्क ठीक नहीं होने लगा जो मुल्क की जरूरत है वो इसकी ऑपोजिट है वो बिल्कुल मुतबादल है इसके और वो क्या है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन हो एक पब्लिक मैंडेट से पार्टी आए पावर और वो फिर रूल ऑफ लॉ कायम करे देखिए जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो जंगल के कानून से भाग रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं और इस मुल्क के अंदर जो नब्बे की दिहाई की सियासत थी वो खत्म हो चुकी है जो जनरल मुशरफ ने काफ लीग बनाई थी वो 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 दिन चले गए हैं ये दूसरा दौर आ गया और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए एक सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर मैशत को ठीक करें और मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स करें उस रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान इस दल दल से अब नहीं निकल सकता पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए इस मुल्क को अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हमें अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया हमने सारा इंसाफ का निजाम ना ठीक किया हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं हमने क्या जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर अब उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं असलाहत करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत एक स्टेबल हुकूमत आए स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए कि उन्होंने आ, आ, कोई गद्दारी गद्दार पकड़ने थे यानी ये खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को और फिर वर्कर सारे हजारों वर्कर अंदर डाल दिए सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूं तो वो बाहर निकल सकता है और फिर ये बताया गया कि ये फौज के खिलाफ है यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा अच्छा और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करने के करके क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं जो अभी भी पकड़ी हुई हैं औरतें क्या इनके जरिए हमने हमला करना था फौज के ऊपर